हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आज मैं आपकी सहारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक ही वीडियो में आपकी सारी क्वेरी का सलूशन मिल जाए। जैसे क्या आपको आपके सहारा इन्वेस्टमेंट का रिफंड मिल सकता है और कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा या इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा, या आपकी प्रॉब्लम ओटीपी नहीं आने की हो, या बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की प्रॉब्लम हो, या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में फाइल साइज की प्रॉब्लम हो, कहीं आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी हो तो आप क्या करें, या आपको अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा तो आप क्या करें। तो इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा आपको, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यदि आपका इन्वेस्टमेंट सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यानी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, या हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता में 22 मार्च 2022 से पहले इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है उसका क्लेम ले सकते हैं, या आपने 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए आप सारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर चले जाइएगा और वहाँ जमाकर्ता पंजीयन पर क्लिक कर लीजिएगा। जमाकर्ता पंजीयन में आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं और आपको अपने आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर एंटर कर ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करना है। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, बैंक, तहसील या आधार कार्ड सेंटर पर जाकर उसे जुड़वा लें। फिर उसके बाद ये ओटीपी प्राप्त होगी आपको। ओटीपी दर्ज कर ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करें। इस तरह आपका पंजीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। वहाँ फिर से आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, अपना आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी प्राप्त कर ओटीपी सत्यापित करें। नेक्स्ट, आपको नियम और शर्तों वाली विंडो पे नियम और शर्तें पूरा सही से पढ़ लें और फिर नियम और शर्तों के चेकबॉक्स पर क्लिक कर मैं सहमत हूँ पर क्लिक करें। फिर अगला बटन पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट विंडो में अपना आधार कार्ड दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद ओटीपी सत्यापित करें। कई बार आपको ओटीपी प्राप्त करने में समय लग सकता है क्योंकि वेबसाइट अभी थोड़ा डिले काम कर रही है, इसलिए चिंतित ना हो, आराम से इंतज़ार करें। ओटीपी सत्यापित करते ही आपको अपना पूरा विवरण मिल जाएगा देखने को, जहां आपको आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक का नाम भी दिखेगा। यदि आपको अपने बैंक का नाम नहीं दिख रहा है तो आप DBTL फॉर्म बैंक में जमा कर वहां अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करवा लें। फिर आप अपनी बाकी डिटेल चेक कर अपना ईमेल दर्ज करें और ईमेल सहेजे पर क्लिक करें। वैसे ईमेल दर्ज करना वैकल्पिक है लेकिन आपको ईमेल दर्ज कर लेनी चाहिए और फिर अगला बटन क्लिक कर लें। नेक्स्ट विंडो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां आपको अपनी सोसाइटी का नाम और सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि और योगदान राशि दर्ज करनी है। इसमें योगदान राशि में कईयों को डाउट है कि आपको मेच्योरिटी अमाउंट दर्ज करना है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट दर्ज करना है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट दर्ज करना है। मेच्योरिटी अमाउंट का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। फिर आपने कोई आंशिक भुगतान प्राप्त किया हुआ है तो उस पर क्लिक कर उसको दर्ज करें, और यदि आपने सोसाइटी से कोई ऋण लिया हुआ है तो उस पर क्लिक कर उसे दर्ज करें। फिर जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें पर अपना जो भी जमा रसीदें हैं उन्हें यहाँ अपलोड करें। फिर दावा जोड़े पर क्लिक करें। यहाँ आपको यदि साइज़ की प्रॉब्लम हो रही हो कि आपको साइज आपका बड़ा या छोटा हो जा रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देखकर उसे सीख सकते हैं कि आपको कैसे साइज मैनेज करना है। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और यहाँ एक बार में एक ही रसीद चढ़ेगी तो आप एक एक कर अपनी सारी डिटेल दें। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी डाटा है वो आप यहाँ एक एक कर पूरा अपलोड कर दें।
ये नहीं कि इसमें ये करें या वो करें या ये है मेरे पास वो है, जो भी है आपके पास सहारा से रिलेटेड सब आप क्लेम करें यहाँ पर। फिल करते समय पूरी सावधानी बरतें हैं, क्योंकि एक बार आपने गलत डाटा फिल कर दिया तो आपको इस विंडो में तो एडिट या डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इससे आगे जाने के बाद आप उसे एडिट या डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी सारी डिटेल ऐड करने के बाद उसे चेक कर लीजिएगा और एडिट या डिलीट से आप उसको एडिट डिलीट कर लीजिएगा, फिर आप अगला बटन पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट आपको आपका दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट हो जाएगा, जो आपको अपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके फिर इसमें अपनी फ़ोटो चिपका के और साइन करके, एक फ़ोटो पे साइन करना है और एक नीचे सिग्नेचर पे कॉलम पे साइन करना है। फिर आप इस फॉर्म को स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन कर वापस अगले विंडो में इसे अपलोड कर लीजिएगा, तो आप सारा इन्वेस्टमेंट का क्लेम अपना ले पाएंगे। इसके बाद सरकार 45 दिन का समय लेगी और फिर आपको अवगत कराएगी। आप कई लोग सोच रहे हैं कि इसमें आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपया अमाउंट है, तो वो इनमें से पार्शली अमाउंट आपको देगी अभी। बाद में जब और रुपया आएगा तो आपको फिर बाकी अमाउंट आपकी तब दी जाएगी। और कई लोग ये सोच रहे हैं कि आप मैच्योरिटी होगी तभी क्लेम करें या अभी क्लेम करें, तो अभी आपको पोर्टल ने सुविधा दे रखी है तो आप अभी क्लेम कर लें। मेच्योरिटी अमाउंट पूछनी गई है तो आपको जब भी जैसा भी जितना भी मिल रहा है उतना रुपया अभी ले लें। और इनके अलावा यदि आपने कहीं और सहारा में इन्वेस्ट किया हुआ है किसी और स्कीम में, तो वो चाहे वो क्यू शॉप हो या अन्य कोई भी, तो वो आप अभी तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक ऊपर देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शिकायत का, तो उस शिकायत वाले ऑप्शन पर जाके वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसमें वो पूरा डिटेल दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।